दोस्तों वैसे तो हमारी इस दुनिया में ऐसी कई चमत्कारी चीजें मौजूद है जिनके बारे में हम लोगों ने कहानियों में सुना था। और ऐसा ही एक चमत्कारी पत्थर जिसका नाम है पारस पत्थर। इस पत्थर के बारे में आप लोगों ने शायद कहानियों में सुना ही होगा, लेकिन आज तक इस पत्थर को कोई ढूंढ नहीं पाया। लेकिन दोस्तों आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पारस पत्थर का एक किले में होने का दावा किया जाता है। वो लोग भी उस पारस पत्थर को ढूंढने के लिए उस किले में खुदाई करते हैं, लेकिन आज तक उस पत्थर को कोई ढूंढ नहीं पाया है। लेकिन दोस्तों आप में से शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पारस पत्थर के बारे में नहीं पता है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये वो पत्थर था जिसके छूते ही लोहा भी सोना बन जाता है। माना जाता है कि भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर रायसेन के किले में ये पत्थर मौजूद है। कहा जाता है कि इस किले के राजा के पास ये पत्थर मौजूद था और इस पत्थर को पाने के लिए कई बार युद्ध भी हुए। लेकिन जब इस किले के राजा को ये पता चला कि वे युद्ध में हार जाएंगे, तो उन्होंने किले में मौजूद एक तालाब में उस पारस पत्थर को फेंक दिया। और राजा ने भी किसी को नहीं बताया कि वे उस पारस पत्थर को कहाँ छुपाया था। और युद्ध के दौरान उस राजा की मौत हो गई और देखते ही देखते ये किला भी वीरान हो गया। और कई राजाओं ने तो इस किले को खुदवाने की कोशिश भी की, लेकिन उनको भी पारस पत्थर को ढूंढने में सफलता नहीं मिली। और आज भी यहाँ लोग रात को पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिकों को लेकर आते हैं, लेकिन उनको भी निराशा ही हाथ में लगती है। और इस किले में पारस पत्थर को लेकर एक कहानी भी प्रचलित है कि यहाँ पत्थर को ढूंढने वाले कई लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि पारस पत्थर की रक्षा एक जिन करता है। हालांकि पुरातत्व विभाग को आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे पता चले कि पारस पत्थर इस किले में मौजूद है। लेकिन कई सुनी कहानियों की वजह से लोग यहाँ चोरी छुपे रात को इस पारस पत्थर को ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन पत्थर को ढूंढ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।